हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज फॉर 12th बोर्ड 2024 एग्जाम। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ने वाले हैं तो सुन लो आप लोग। आज हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं कोलरॉज लॉ विथ एप्लीकेशन। लेकिन बच्चों, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो यार जल्दी से जाकर पहले उसे कवर कर लो, फिर यहाँ आ जाओ। और हाँ, प्रीवियस यूनिट हमने कवर करा था सॉल्यूशंस, तो अगर आपने सॉल्यूशन कभी पढ़ा ही नहीं है ना तो एक बार आप जाओ पढ़ो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सिंपल तरीके से चैप्टर को हमने कवर करा। एक और बात के सर इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्या मामला है, तो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट भी मैं आपको यूनिट के एंड होते होते दे दूंगा। लेकिन ये टॉपिक बड़ा स्पेशल है, कोलरॉज लॉ विद एप्लीकेशन। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन बना सकता है, न्यूमेरिकल बना सकता है, रीजनिंग बना सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोलरॉज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आयनिक माइग्रेशन। ये इंडिपेंडेंट आयनिक माइग्रेशन क्या होता है तो थोड़ा सा इसको पहले समझते हैं, फिर आते हैं इसकी थ्योरी पर। बच्चों टेक्निकली क्या होता है, ये हमारे पास एक लिक्विड है और लिक्विड में ये हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया AB, जो आगे जाकर A पॉजिटिव और B नेगेटिव में टूटेगा। आपको एक बात पता है, A पॉजिटिव जितनी मेहनत करेगा B नेगेटिव भी उतनी मेहनत करेगा। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कोई एक पर्टिकुलर आयन काम नहीं करता, सारे आयन काम करते हैं। सारे आयन इंडिपेंडेंट माइग्रेट होते हैं, मतलब ए पॉजिटिव अलग माइग्रेट करके अपना काम करेगा, बी नेगेटिव अलग माइग्रेशन के साथ अपना काम करेगा। तो इस इलेक्ट्रोलाइट ए बी से जो भी करंट पास होगा वो करंट पास होगा सिर्फ ए पॉजिटिव से नहीं होगा, सिर्फ बी नेगेटिव से नहीं होगा, बल्कि दोनों आयन से होगा। और कोलरॉज भाई साहब ने यही बात बताई थी कि जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट से करंट को कंडक्ट कराते हो तो उस इलेक्ट्रोलाइट के हर तरह के आयंस का कंट्रीब्यूशन ऐड होता है, तब जाके ओवरऑल कंडक्टिविटी निकलती है। तो बच्चों यही बात कोलरॉज ने बताई है, आप देख सकते हो। बस यहां पे कुछ टर्म्स हैं, जैसे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये वो पॉइंट होता है जिसपे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मैक्सिमम टूटता है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट चाहे स्ट्रांग हो या वीक हो, मैक्सिमम टूटता है, वो पॉइंट कहलाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन का दूसरा नाम होता है जीरो कंसंट्रेशन। तो बच्चों एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वेयर ईच इलेक्ट्रोलाइट इज आयनाइज्ड अप टू मैक्सिमम लेवल, मतलब मैक्सिमम टूटता है चाहे वो स्ट्रांग हो या वीक हो, ओवरऑल मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी। बच्चों आयनिक कंडक्टिविटी का सिंबल होता है लैम्डा पॉजिटिव या लैम्डा नेगेटिव। तो ओवरऑल मोलार कंडक्टिविटी जो है वो आयनिक कंडक्टिविटी के सम के बराबर है। चलिए थोड़ा सा इसका फॉर्मूला देखते हैं। मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये सिंबल होता है, और बच्चों इसी सिंबल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। दोनों सेम है, लिखने का तरीका लगे। मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन पे बराबर होती है आयनिक कंडक्टिविटी के सम के। बेटा कैटायन की कंडक्टिविटी लैम्डा पॉजिटिव, एनायन की कंडक्टिविटी लैम्डा नेगेटिव, और दोनों के सम के बराबर है, मतलब मुझे बीच में प्लस का साइन लगाना है। नंबर ऑफ कैटायंस को एक्स से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एनायन को वाई से डिनोट करते हैं। और बच्चों अगर यहां जीरो लगाते हो पावर में तो जीरो कंसंट्रेशन होगा, तो यहां भी जीरो आ जाएगा। और अगर यहां पावर में इनफाइनाइट लगाते तो यहां भी इंफिनिटी का साइन आ जाता। तो बेटा लैम्डा पॉजिटिव का मतलब कैटायन की कंडक्टिविटी, लैम्डा नेगेटिव का मतलब एनायन की कंडक्टिविटी। ये फॉर्मूला तो लिख लिया, इससे हमें थ्योरी भी समझ में आ गई कि सर कैटायन और एनायन की कंडक्टिविटी का सम जो है उससे ओवरऑल मोलार कंडक्टिविटी निकाली जाती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन। फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले को जरा जल्दी से यूज करना सीखते हैं, कैसे यूज करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला गया कि आप मोलार कंडक्टिविटी निकालो जीरो कंसंट्रेशन पे BaCl2 की, बेरियम क्लोराइड BaCl2 कोई भी कंपाउंड दे देगा। तो बच्चों सबसे पहले BaCl2 क्या टूटता है, काहे में टूटता है पता होना चाहिए, काहे में ब्रेक होता है पता होना चाहिए। तो BaCl2 को जब आप ब्रेक करोगे तो आप ये देखोगे कि भाई BaCl2 बेरियम अलग है, 2 क्लोरीन अलग है,
फॉर्मूले में बेरियम पहले आ रहा है ये नॉर्मली देखा गया, इलेक्ट्रोलाइट में जो पहले आता है उसमें प्लस आता है, बेरियम पे आएगा प्लस टू क्योंकि इसके साथ टू क्लोरीन है, क्लोरीन पे माइनस आएगा क्योंकि इसके साथ सिंगल बेरियम है। तो बेटा जब मैं BaCl2 की मोलार कंडक्टिविटी लिखूंगा तो फॉर्मूला आता है लैम्डा पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव की जगह कैटायन लिखूंगा, बेटा कैटायन बेरियम है या क्लोरीन, तो करेक्ट आंसर है बेरियम, बेरियम कैटायन है, इसकी पावर में जीरो आएगा। प्लस लैम्डा सीएल नेगेटिव, माइनस चार्ज की जगह एनायन लिखा मैंने, क्लोरीन यहां टू है तो लैम्डा से पहले टू आ गया, टू दी पावर जीरो, तो ये हो गया BaCl2 की मोलार कंडक्टिविटी। फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए कि आप मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करो एट जीरो कंसेंट्रेशन ऑफ AlCl3, तो बच्चों AlCl3 को पहले ब्रेक कर लेते हैं। देखो AlCl3 एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा, थ्री क्लोरीन अलग हो जाएंगे, एल्यूमिनियम पे आना है प्लस, लेकिन कितना प्लस, जितने क्लोरीन है बेटा, कितने क्लोरीन है, थ्री क्लोरीन है तो थ्री प्लस, एल्यूमिनियम वन है तो वन माइनस। फाइनली अब मैं इस फॉर्मूले में लिख देता हूं तो आ जाएगा लैम्डा Al+3 टू दी पावर जीरो प्लस क्लोरीन थ्री है तो थ्री लैम्डा Cl- टू दी पावर जीरो। तो बच्चों इस तरह से हमारी मोलार कंडक्टिविटी आ जाती है। और एक बात का ख्याल रखना, ये बेसिक फॉर्मूला न्यूमेरिकल भी देता है, आप बिलीव करो इस बात पर कि ये न्यूमेरिकल हमारे नीट लेवल और ट्वेल्थ बोर्ड लेवल में भी आता है बेसिक फॉर्मूले पे। चलिए एक और हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इनकेस आपको दिया AmBn और बोला कि इसकी मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है इंफिनिटी पर, अब आप करोगे क्या, तो आप पहले AmBn को ब्रेक करो, उसके बाद अभी जो फॉर्मूला रखा उससे आप मोलार कंडक्टिविटी निकालो। ब्रेक कैसे होगा, AmBn नंबर ऑफ A जो है वो M है, नंबर ऑफ B जो है वो N है, A पहले लिखा है तो प्लस आएगा, B बाद में लिखा है माइनस आएगा, बेटा A पे उतना प्लस आएगा जितना B है तो B N है, B पे उतना माइनस आएगा जितना A है तो A कितने हैं M है, ये बहुत स्पेशल एग्जांपल है। अब फाइनली मैं मोलार कंडक्टिविटी निकालता हूं AmBn की, वो भी जीरो कंसंट्रेशन पे, तो फॉर्मूला आएगा लैम्डा A+N, A कितने हैं M है टू दी पार जीरो प्लस एन लैम्डा बी टू दी पार माइनस एम टू दी पार जीरो। तो बच्चों ये एक बहुत बहुत स्पेशल केस है, बहुत स्पेशल एग्जांपल है, आप इसे नोट करो। अब मैं यहां पर एक बड़ा बेसिक सा न्यूमेरिकल दे रहा हूं, आप ट्राई करना। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस पे न्यूमेरिकल बड़े बेसिक लेवल के आते हैं लेकिन बहुत स्पेशल आते हैं, यहां पर भी स्टूडेंट गलती कर देते हैं प्लस माइनस में। चलिए समझते हैं न्यूमेरिकल क्या है। इन CaCl2, कई बार नाम आपको पूरा नहीं देता, इन CaCl2 द कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन इज 119 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, वो उसकी यूनिट है, एंड दैट ऑफ Cl नेगेटिव आयन इज 76.3। आपको Cl नेगेटिव आयन की कंडक्टिविटी दे दी है यहां पर, दैट इज 76.3। उसके बाद बोला है कैलकुलेट दी ओवरऑल मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CaCl2। बच्चों CaCl2 की मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है, क्या करना है, सिंपल काम है, मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब भी निकालना हो, जीरो कंसेंट्रेशन पे निकालना हो, तो आप फॉर्मूला लिखोगे x लैम्डा पॉजिटिव टू द पावर इंफिनिटी प्लस y लैम्डा नेगेटिव टू द पावर इंफिनिटी। बेटा ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में आप यहां पर जरा ध्यान से देखो आपको गिवन क्या है। तो गिवन में अगर हम देखें तो हमें कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम वैल्यू दी है, दैट इज 119 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमें कंडक्टिविटी ऑफ सीएल नेगेटिव दिया हुआ है, दैट इज 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बच्चों लैम्डा पॉजिटिव की जगह कैल्शियम की वैल्यू रख दो, लैम्डा नेगेटिव की जगह क्लोरीन की वैल्यू रख दो, लेकिन पहले ये देख लो कि इस फॉर्मूले में कैल्शियम कितने हैं और क्लोरीन कितना है। कैल्शियम 1 है तो x की जगह 1 आएगा या कुछ नहीं आएगा, क्लोरीन 2 है तो y की जगह 2 आएगा, और लैम्डा नेगेटिव की जगह क्लोरीन की वैल्यू आएगी। बस यहीं पर ज्यादातर बच्चे गलती कर दे, वो y और x की जगह क्या आना है इसे इग्नोर कर देते हैं, डायरेक्ट वो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करते हैं।
मोलार कंडक्टिविटी एट इंफिनिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा सी ए प्लस टू, प्लस टू लैम्डा सी एल नेगेटिव। बच्चों लैम्डा सी ए प्लस टू की वैल्यू 119 दी है, प्लस टू इंटू लैम्डा सी एल नेगेटिव की वैल्यू दी है 76.3। यस 76.3। अब आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 119 प्लस 76.3 इंटू टू, तो ये आ जाएगा 152.6। और बच्चों जब इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 271.6 यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और इस तरह हमारे पास आ गया मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन। तो बच्चों न्यूमेरिकल आपको कैसा लगा? अगर न्यूमेरिकल आपको लगा है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप इस तरह के और भी न्यूमेरिकल अपनी गाइड से, अपनी बुक से, अपने पीवाईक्यू से कर सकते हो सॉल्व। आप लोग इसे नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं एप्लीकेशंस पर। फर्स्ट एप्लीकेशन कोलरोज लॉ की, नाम है कैलकुलेशन ऑफ आयनिक मोबिलिटी। अब ये आयनिक मोबिलिटी क्या है? देखो भाई, आयनिक मोबिलिटी की कहानी कुछ ऐसी है कि एक पर्टिकुलर आयन किसी सॉल्यूशन के अंदर, ये एक पर्टिकुलर आयन है, इसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है और फिर वापस आना है। तो बच्चों जब कोई आयन किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करता है तो वो उसकी कहलाती है आयनिक मोबिलिटी। आयन का चलना आयनिक मोबिलिटी कहलाता है। रूल ये है कि आयन जितना स्पीड में एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जाएगा, फिर सेकंड से वापस आएगा, जितने नंबर ऑफ राउंड कंप्लीट करेगा उतनी ज्यादा आयनिक मोबिलिटी होगी और उतनी ज्यादा आयनिक कंडक्टिविटी होगी। आयन जितना ज्यादा स्पीड में चलेगा उतनी ज्यादा होगी आयनिक कंडक्टिविटी। तो बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं, इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट आयनिक कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी। मतलब आयनिक कंडक्टिविटी जिसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी जिसे न्यू से डिनोट करते हैं। इक्वेशन नंबर वन आ गई। अगर यही बात कैटायन के लिए मैं बोलूं तो लैम्डा पॉजिटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू पॉजिटिव एंड लैम्डा नेगेटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू नेगेटिव। और बच्चों जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो यार कुछ तो लगाना पड़ेगा। क्या लगाओगे? लैम्डा पॉजिटिव इज इक्वल्स टू एफ इनटू न्यू पॉजिटिव, ये आ गया फॉर्मूला फॉर कैटायन। सिमिलरली लैम्डा नेगेटिव और न्यू नेगेटिव में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो लैम्डा नेगेटिव इज इक्वल्स टू एफ इनटू न्यू नेगेटिव, ये एनायन के लिए फॉर्मूला आ गया। अब बात ये आती है कि सर एफ क्या है? तो एफ का मतलब यहां पर फैराडे कॉन्स्टेंट है। F का मतलब फेराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम्स, इतनी वैल्यू होती है फेराडे कांस्टेंट की। तो बेटा ये हमारी पहली एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन में बताया गया कि आयनिक कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी, जितना तेज आयन ट्रेवल करेगा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा। अब आते हैं सेकेंड एप्लीकेशन, कोलरोज लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाने वाली एप्लीकेशन है, इसे आईएमपी जरूर करना। एप्लीकेशन का नाम है कैलकुलेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है। देखो बच्चों एक प्रॉब्लम क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम डिसोसिएट होता है, बहुत कम आयनाइज होता है। अब इतना कम डिसोसिएट होता है कि आप उसकी मोलार कंडक्टिविटी डायरेक्ट निकालने जाओगे तो आपको कोई एप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिलेगा। मोलार कंडक्टिविटी अगर कैलकुलेट करनी है वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो आपको अदर इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प चाहिए, और अदर कितनी इलेक्ट्रोलाइट चाहिए? 3। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी डायरेक्ट कभी नहीं निकाली जाती, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए 3 अदर इलेक्ट्रोलाइट, ताकि वो तीनों इलेक्ट्रोलाइट उसकी हेल्प करें जिससे आप मोलार कंडक्टिविटी निकाल लो। अब अगर मान लो हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, मुझे इसकी मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है इन्फिनिटी पर, तो मुझे इसके लिए 3 अदर इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, जिसमें पहली इलेक्ट्रोलाइट होगी CH3COONa, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट होगी HCl, और थर्ड इलेक्ट्रोलाइट को लिखने से पहले माइनस का साइन लगाना, और थर्ड इलेक्ट्रोलाइट होगी NaCl। अच्छा, मैंने 3 इलेक्ट्रोलाइट क्यों ली, इसका क्या लॉजिक है, ये मैं आपको एक अलग से हिंट दूंगा, ध्यान रखना आप लोग।
फाइनली हम लोग क्या करते हैं, तीनों इलेक्ट्रोलाइट को वन बाय वन ब्रेक करते हैं। देखो CH3COONa जब ब्रेक होगा तो ये ब्रेक होने पर साइन लैम्डा आ जाएगा, ध्यान रखना लैम्डा आ जाएगा। CH3COONa जब ब्रेक होगा तो ये होगा CH3COO नेगेटिव और लैम्डा Na पॉजिटिव में, इसकी पावर में इन्फिनिटी आ गया। तो बेटा ये तो पहली चीज हो गई। अब ये प्लस का साइन लगा है तो मैंने भी प्लस का साइन लगाया। HCl जब ब्रेक होगा तो लैम्डा H पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। और बच्चों जब NaCl ब्रेक होगा तो माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि माइनस का साइन आ चुका, ब्रैकेट में लिखो लैम्डा Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव। चलिए आई होप दिख रहा होगा आपको। ठीक, फाइनली अब करना क्या है बेटा, जो चीजें कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल करो। देखो लैम्डा Na प्लस से पहले यहां पॉजिटिव का साइन है और यहां लैम्डा Na प्लस से पहले नेगेटिव का साइन है, क्योंकि ब्रैकेट खोलोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली लैम्डा Cl नेगेटिव से पहले प्लस का साइन दिख रहा है और जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये लैम्डा Cl नेगेटिव माइनस का हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली बच क्या रहा है हमारे पास, तो हमारे पास बच रहा है लैम्डा CH3COO नेगेटिव टू दी पावर इंफिनिटी प्लस यहां से बच रहा है लैम्डा एच पॉजिटिव टू दी पावर इंफिनिटी। और अगर आप CH3COO नेगेटिव और एच को ऐड करो तो आपको मिलेगा वही जिसके लिए आप ये पूरी मेहनत कर रहे हो। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा CH3COOH। तो इन दी एंड CH3COOH की कंडक्टिविटी यहां से निकाली जाएगी, लेकिन ये कंडक्टिविटी डायरेक्टली नहीं निकाली जाएगी, ये निकाली जाएगी इनडायरेक्टली। तो बच्चों ये याद रखना, कोलरॉज लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनाती है, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे वो थियोरेटिकल हो। कोलरॉज लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन बताती है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आपको लगेगी हेल्प, और हेल्प करने के लिए आपको चाहिए थ्री अदर इलेक्ट्रोलाइट्स। पहले उन तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स को लिखा, उनको फिर आपने ब्रेक करके आयनिक फॉर्म में लिखा, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करा, जो बच रहा है उसे लिखा फाइनली, तो आपको मिल गया आपका ओरिजिनल इलेक्ट्रोलाइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड एप्लीकेशन की तरफ। तो कोलरॉज लॉ की हमारी थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। बच्चों इलेक्ट्रोलाइट तो आयनाइज होती है, आयनाइज होने का मतलब है टूटना, आयंस में ब्रेक होना। इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज होती है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट 10% आयनाइज होती है, कोई 15%, कोई 20%, कोई 90%। तो परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब कोई चीज परसेंटेज में टूटती है ना, कि 10% ब्रेक हो गई, 20% ब्रेक हो गई, उसे कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड इट कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। अल्फा इज इक्वल्स टू मोलार कंडक्टिविटी एट फिक्स्ड कंसंट्रेशन अपॉन मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। ये फिक्स्ड कंसंट्रेशन वाला है और ये जीरो कंसंट्रेशन वाला है। मोलार कंडक्टिविटी एट फिक्स्ड कंसंट्रेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला बताया था बेटा, इसका फॉर्मूला होता है 1000 इंटू के अपॉन सी मोलार या मोलैरिटी, यही वाला फॉर्मूला है, सिंपल है। मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, बच्चों इसका फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स लैम्डा पॉजिटिव टू दी पावर जीरो प्लस वाई लैम्डा नेगेटिव टू दी पावर जीरो। तो बेटा आप चाहो तो आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को रखकर आप दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो, मोलार कंडक्टिविटी एट फिक्स्ड कंसंट्रेशन अपॉन मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। कभी कभी जीरो आएगा, कभी इंफिनिटी आएगा, बिकॉज जीरो फॉर कंसंट्रेशन होता है, इंफिनिटी फॉर डाइल्यूशन होता है। तो बच्चों अगर आप नीचे इसकी वैल्यू रख देते हो तो ये फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलार कंडक्टिविटी एट फिक्स्ड कंसंट्रेशन अपॉन जीरो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है एक्स लैम्डा पॉजिटिव टू दी पावर जीरो वाई लैम्डा नेगेटिव टू दी पावर जीरो। इस तरह से हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मोलार कंडक्टिविटी एट फिक्स्ड कंसंट्रेशन का सिंबल या तो आप ऐसे लिख सकते हो या आप डायरेक्टली मोलार कंडक्टिविटी लिख दो, बिकॉज बोथ आर सेम। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। कुछ ऐसे की पॉइंट जो हमारे टफ से टफ पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए, हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा एक की पॉइंट मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, फिर इस पे ग्राफ शेयर करूंगा, बेहतरीन काम हो जाएगा।
डाइल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट। अब ये डाइल्यूशन क्या होता है? देखो यार, मेरे पास एक शुगर और वाटर का मिक्सचर है। ये शुगर वाटर का मिक्सचर है, बहुत गाढ़ा हो गया, इसका टेस्ट बहुत स्वीट हो गया। अब इस मिक्सचर को मुझे थोड़ा हल्का टेस्ट करना है। मैं इसमें से शुगर तो निकाल नहीं सकता हूं, लेकिन एक काम कर सकता हूं, इसमें वाटर एड कर सकता हूं। वाटर की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, सोल्यूशन जो गाढ़ा था वो थोड़ा हल्का हल्का होना शुरू हो जाएगा, सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। जब जब आप वाटर मिलाते हो, सॉल्वेंट मिलाते हो, तो चीजों का, उन सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है और वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्योंकि जाहिर बात है बच्चों, जब मैं वाटर मिलाऊंगा, अगर ये सोल्यूशन ऑलरेडी 1 लीटर है, मैंने 1 लीटर वाटर और मिला दिया, तो अब ओवरऑल सोल्यूशन हो जाएगा 2 लीटर। तो जब भी आप डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूशन का मतलब एक्स्ट्रा सॉल्वेंट मिलाते हो, तो बच्चों कंसंट्रेशन कम हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये रूल है, जब जब आप डाइल्यूशन करोगे तो डाइल्यूशन करने से दो चीजें होंगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक हाफ ग्लास कोल्ड ड्रिंक है, कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक, एक्सवाइजी जो भी है, हाफ ग्लास है। अब इस हाफ ग्लास में अगर मुझे इसका वॉल्यूम बढ़ाना है, मेरे पास कोल्ड ड्रिंक नहीं है, तो मैं काम करता हूं, पानी मिला देता हूं। नो डाउट टेस्ट बिगड़ जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा, कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हाफ ग्लास कोल्ड ड्रिंक में अगर हाफ वाटर मिलाओगे तो टोटल कंप्लीट फुल हो जाएगा। मतलब आपने वाटर मिला के कर दिया डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन कम हो जाता है लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाता है, अपने माइंड में ये बात क्लियर करना। डाइल्यूशन करने का एक और फायदा है, मान लो हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जाम्पल AB एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वहीं पर XY एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यह है स्ट्रॉन्ग, जो ऑलरेडी 90% से ज्यादा ब्रेक हो रहा है, 90% प्लस, और यह है वीक, यह बेचारा 5-10% ब्रेक हो रहा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मान लेते हैं कि, क्योंकि हर इलेक्ट्रोलाइट के साथ अलग अलग कंडीशन है, लेकिन मान लेते हैं कि इसके ब्रेक होने की मैक्सिमम लेवल की जो स्ट्रेंथ है वो है 15%। आप नॉर्मली इसे वाटर में मिलाओगे, 5-10% ब्रेक होगा, लेकिन आपने वाटर बढ़ाया, डाइल्यूशन करा, और डाइल्यूशन करा, और डाइल्यूशन करा, तो एक टाइम ये आएगा कि अपने मैक्सिमम लेवल तक टूट जाएगा, मैक्सिमम लेवल तक टूट जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो ऑलरेडी 98% टूट रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी 98%, ठीक है, आपने डाइल्यूशन करा करा करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो एक टाइम बाद ये हो सकता है कि 98 से 99 पर ब्रेक हो जाए। बच्चों मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि डाइल्यूशन मैंने वीक में भी करा, स्ट्रॉन्ग में भी करा, लेकिन इस डाइल्यूशन का ज्यादा फायदा किसे पहुंचा, स्ट्रॉन्ग को या वीक को? तो आंसर है वीक को, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट बेचारा वैसे ही हर बार कम टूट रहा था, 10% तक टूट रहा था, अब ये 10 से 5% की जंप करके 15 तक पहुंच गया, या 10% की जंप करके 20 तक पहुंच गया। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने जंप कितने की करी, हार्डली 1% या 2%। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के डाइल्यूशन करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन ज्यादा बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन कम बढ़ता है। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी और आयनाइजेशन पे ज्यादा फर्क पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी और आयनाइजेशन पे थोड़ा सा असर पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो डाइल्यूशन क्लियर हो गया, डाइल्यूशन करने से किसकी कंडक्टिविटी पे ज्यादा फर्क पड़ता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, किसकी कंडक्टिविटी पे कम फर्क पड़ता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। बच्चों यही बात समझाने के लिए एक पर्सन थे जिन्होंने इक्वेशन दी, जिसका नाम है डिबाय-हकल-ओनसेगर इक्वेशन। ये हमारे IIT के पेपर में भी आ चुकी है। डिबाय-हकल-ओनसेगर इक्वेशन से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये हमारे हायर ऑर्डर लेवल के क्वेश्चंस बनाता है। क्या ग्राफ है? तो देखो, ग्राफ है मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन माइनस ए अंडर रूट सी। बेटा ये डिबाय-हकल-ओनसेगर इक्वेशन वही बात बताती है जो अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा डाइल्यूशन के बारे में, कि डाइल्यूशन करोगे तो वीक को ज्यादा फायदा होगा, स्ट्रॉन्ग को थोड़ा सा फायदा होगा, डाइल्यूशन करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो बच्चों इसी कॉन्सेप्ट पर ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे इक्वेशन लेना पड़ेगी y=mx + c। तो आप देख सकते हो y एक्सिस पे आएगा मोलार कंडक्टिविटी, x एक्सिस पे आएगा अंडर रूट c, और बच्चों m तो आप जानते ही हो,
फाइनली यहां पर जब आप स्लोप के फॉर्म में देखोगे तो स्लोप के फॉर्म में अगर ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मान लो यहां KCl है, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बेटा कंसेंट्रेशन से बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है, ये आ जाएगा CH3COOH, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों हमारे 12th बोर्ड में NCERT की बुक्स में भी ये ग्राफ दिया हुआ है, आप ध्यान से इसको समझ के करना सॉल्व। और अगर हम बात करें कंपटीशन की, तो कंपटीशन में नीट या JEE जैसे पेपर में ये इक्वेशन पूछते हैं, इस इक्वेशन में A क्या है, तो भाई A का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे A कांस्टेंट है, और बच्चों इस A की जगह एग्जामिनर सिंबल बदल कर बीटा दे सकता है, गामा दे सकता है, मतलब वो घुमाएगा आपको सबसे ज्यादा कांस्टेंट में, अंडर रूट सी की जगह C2 पावर हाफ दे सकता है, तो इतना तो तुम लोगों को पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसे नोट कर सकते हैं। फाइनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, इसमें बताए गए टॉपिक समझ में आए हो। हम लोगों ने आज सीखा कोलराज लॉ विद एप्लीकेशन एंड विद यूजफुल कॉन्सेप्ट्स, और उसमें कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग के कॉन्सेप्ट भी। तो बच्चों अगर किसी भी तरह की कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।